ओके सो अब आज जो है हम लोग अब नाउंस के बारे में ही बात करते हुए कॉमन और प्रॉपर नाउन के बारे में जानने वाले हैं। भाई कॉमन नाउन क्या होता है? देखो ये एक ऐसा नाम है जो कि हम किसी भी पर्सन एनिमल प्लेस या थिंग के लिए यूज कर सकते हैं जो कि सेम काइंड के हैं। अब इसे मान लो कि राम श्याम घनश्याम मोहन हरी वगैरह वगैरह सब एक साथ अगर खड़े हैं तो उनको हम बॉयज बोल सकते हैं ना, बॉयज कम हियर, राइट, क्योंकि सब एक ही तरीके हो गए। तो यहाँ पर बॉय क्या हो गया? बॉय जो है वो कॉमन नाउन हो गया, राइट। आई हैव ए डॉग, तो डॉग जो है वो दुनिया के सभी कुत्ते के लिए यूज हो सकता है कि नहीं? अब किसी का कुत्ता जो है कोई ये तो नहीं बोल देगा नहीं मेरा कुत्ता कुत्ता नहीं है, मेरा कुत्ता स्पेशल है, ऐसा नहीं हो सकता। डॉग जो है वो दुनिया के सभी डॉग्स के लिए यूज होगा। सिटी दुनिया के सभी सिटीज के लिए यूज होगा। पेंसिल तो जितना भी पेंसिल है सब पेंसिल ही है ना? तो ये जो नाम है वो सब पे सेम काइंड के अपनी तरह के जितने भी चीजें हैं, जितने भी पर्सन हैं या एनिमल है या प्लेस है या थिंग के लिए जो यूज हो सकते हैं तो वो कहलाते हैं कॉमन नाउन। लेकिन जब उसी में किसी खास पर्सन या एनिमल या प्लेस या थिंग के लिए जो हम नाम चुन लेते हैं तब वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। अब जैसे कि पर्सन कोई भी है, बॉय कोई भी है, ये कॉमन नाउन है, लेकिन उन्हीं बॉयज में एक बॉय है अमन, तो अमन क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। तो यहां पर चाहे अमन हो गया या फिर टॉमी हो गया, किसी के मान लो डॉग ही है लेकिन किसी ने अपने डॉग डॉग का नाम जो है वो टॉमी रख रखा है, तो अब वो स्पेशल नेम हो गया, इसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जितने भी सिटीज हैं सही बात है, जितने भी शहर हैं सबके सब शहर है, चलो कोई बात नहीं है, मुंबई भी सिटी है, दिल्ली भी सिटी है, चेन्नई भी है, लेकिन दिल्ली जो है वो तो एक खास शहर का नाम हो गया ना, ये तो स्पेशल सिटी का नाम हो गया। तो इन तरह के नेम्स जो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन एनिमल प्लेस या थिंग को डिनोट करते हैं उनको बताते हैं, तो वो कहलाते हैं प्रॉपर नाउन्स। और प्रॉपर नाउन जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। तो आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है कि कॉमन नाउन से पहले आपको सी का यूज करना है और प्रॉपर नाउन से पहले आपको पी का यूज करना है। जैसे कि बॉय इट्स अ कॉमन नाउन, गोवा अब ये एक खास जगह का नाम हो गया ना, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन, राइट। राहुल प्रॉपर नाउन, पेंसिल कॉमन नाउन, बीच कॉमन नाउन, ब्रूनो प्रॉपर नाउन, रिचा प्रॉपर नाउन, माउंटेन्स कॉमन नाउन, राइट। गर्ल कॉमन नाउन, हिमालयस प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये खास माउंटेन्स का नाम हो गया ना। अब ऐसे ही आपको जो है यहां पर टेबल में भी वर्ड्स दिए गए हैं और इन वर्ड्स में से आपको जो है कॉमन नाउन को अलग लिखना है और प्रॉपर नाउन्स को अलग लिखना है। इसमें एक तो यह है कि आपको पढ़ के ही पता चल जाएगा कौन सा कॉमन नाउन है कौन सा प्रॉपर नाउन है। वैसे एक एक्स्ट्रा हेल्प हिंट मैं और दे देता हूं, जितने भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं ना वो कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। हिंट मिल गया? तो चलिए आप क्या करिएगा, आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके और जितने भी ये टेबल में बॉक्स में दिए हुए वर्ड्स हैं इनको जो है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन वाले टेबल में लिखिएगा। जो कॉमन नाउन्स है वो कॉमन नाउन्स में, जैसे कि बॉय ये कॉमन नाउन है, दूसरी तरफ जो है बुद्धा दैट्स प्रॉपर नाउन। तो ऐसे ही करके जो है आप इसको आप नीचे तक लिखते जाइएगा, कहानी खत्म। चलिए अब आगे आती है बात कंपाउंड नाउन्स की। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं ना जो कि एक से ज्यादा वर्ड को जोड़ के बनाए जाते हैं, ठीक है, दो से ज्यादा नाउन को जोड़ के बनाया जाता है और वो एक वर्ड बन जाता है। अब जैसे कि देखो स्ट्रीट जो है वो एक नाउन है, मतलब सड़क हो गई, लाइट का मतलब भी आपको पता है रोशनी। अब स्ट्रीट के किनारे में जो लैंप लगा रहता है, लाइट लगा होता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रीट लाइट, और ये भी एक नाउन हो गया अलग, है कि नहीं? तो यहां पर स्ट्रीट लाइट जो है वो क्या है पता है? ये कंपाउंड नाउन है। वैसे ही कॉर्न होता ही है, फ्लेक्स होता ही है, कॉर्न फ्लेक्स को एक साथ कर दो तो ये भी एक अलग वर्ड हो गया। वैसे ही वॉशिंग पाउडर, बेबी टूथ, तो मतलब कुछ टाइम में क्या होगा कि ये जो अलग अलग नाउन है वो एक साथ बिल्कुल जुड़ जाते हैं एक वर्ड के तौर पर, तो भी ये भी कंपाउंड नाउन हुए। कुछ केसेस में जो है ये अलग अलग रहते हैं लेकिन फिर भी एक ही चीज को बताते हैं, जैसे कि वॉशिंग पाउडर, बेबी टूथ। कुछ के केसेस में आप जो है बीच में हाइफन डाल देते हैं, जैसे कि फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, है ना? तो ये सारे जो है वो क्या है, ये सब सब कंपाउंड नाउन्स हैं। तो आगे आपको क्या करना है कि कॉलम वन में जो नाउन है उसको कॉलम टू के नाउन के साथ मिलाना है और कंपाउंड नाउन्स बनाना है आपको, ठीक है। जैसे कि एयर, तो एयर के साथ क्या जुड़ेगा, कार्बन
कंडीशनर, राइट, स्टडी है तो स्टडी के साथ जो है टेबल, इधर से ही चुनना है। तो आप जो है बुक में इसको लकीर खींच के मिला दीजिएगा और उसके बाद जो है नोटबुक में ये जो कंपाउंड नाउंस आपने बनाया है उनको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। एंड रिमेंबर लाइक व्हाट एवर एक्टिविटी यू आर डूइंग इन योर बुक, इसको क्लासरूम में जरूर शेयर करिएगा। देयर विल बी असाइनमेंट्स बेस्ड ऑन इट अपलोडेड ऑन द क्लासरूम एंड यू विल हैव टू अपलोड योर वर्क्स देयर। ओके, बाय बाय।